प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बीच शुक्रवार को हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच साइंस और एनर्जी समेत 6 सेक्टर में करार हुए। इसके बाद दोनों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया। इस मौके पर मोदी ने कहा, हमारे देशों की संप्रभुता, एकता और अखंडता को चुनौती देने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मेरा मानना है कि बंटवारों की खाई खोदने वालों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अपनी भारत यात्रा के अंतिम चरण में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। बाद में कड़ी सुरक्षा के बीच राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प चढ़ाते हुए प्रार्थना की। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने भी एक्शन लिया है। ICAI ने PNB और गीतांजलि जेम्स के ऑडिटर्स को कारण बताओ नोटिस भेजा है। वहीं दूसरी ओर आज गीतांजलि जेम्स के कर्मचारियों ने ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। PNB में 11,350 करोड़ के फ्रॉड केस में घिरे हीरा कारोबारी नीरव मोदी के साथ एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। अब वे नीरव की कंपनी के लिए प्रचार नहीं करेंगी। शुक्रवार को यह जानकारी प्रियंका के स्पोक्स पर्सन ने दी। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने खुद को देश की राजनीति में सबसे कम उम्र का आडवाणी बताया है। माना जा रहा है कि उनका इशारा उन्हें पार्टी में नजरअंदाज किए जाने की ओर था। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर पॉपॉन विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल पॉपॉन एक म्यूजिक रियलिटी शो वॉइस ऑफ इंडिया में एक कंटेस्टेंट को किस करके मुसीबत में फंस गए हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद उनकी जमकर आलोचना भी की जा रही है। भारत ने परमाणु क्षमता से लैस बिलिस्टिक मिसाइल धनुष का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा तट के पास नौसेना के एक पोत से इस मिसाइल को प्रक्षेपित किया गया। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाने और समस्याएं हल करने के लिए बनाया गया स्वच्छता ऐप इंदौर 311 डाउनलोड करने के मामले में शहर 5 शहरों से आगे निकल चुका है। लॉन्चिंग के बाद इसे अभी तक 1,25,000 यूजर्स डाउनलोड कर चुके हैं। अन्य शहरों में ये संख्या बेहद कम है। वहीं ऐप से संबंधित तीनों प्रश्नों में सबसे ज्यादा अंक हासिल कर स्वच्छता सर्वेक्षण के 400 अंक जुटाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में बढ़ती शूटिंग की वारदातों को रोकने के लिए स्थायी हल निकालने की बात कही। फ्लोरिडा स्कूल शूटिंग में मारे गए बच्चों के पेरेंट्स के साथ मीटिंग के दौरान ट्रंप ने लोगों से ऐसी घटनाओं को रोकने के सुझाव मांगे। साथ ही उन्होंने कहा कि टीचर्स को भी बंदूक रखनी चाहिए। बाजार की गिरावट पर शुक्रवार को ब्रेक लग गया। ग्लोबल मार्केट से मिले संकेतों से दोनों प्रमुख इंडेक्स 1% की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 323 अंक बढ़कर 34,142 अंक पर बंद हुआ, तो निफ्टी 108 अंक की उछाल के साथ 10,491 अंक पर क्लोज हुआ। हिट स्टोरी 4 का न्यू सॉन्ग आज रिलीज किया गया। ये सॉन्ग हिमेश रेशमिया के सॉन्ग नाम है तेरा का रीमेक वर्जन है, जिसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से रीमेक किया गया है। इस गाने के बोल लिखे हैं शब्बीर अहमद और इसे आवाज दी है नीति मोहन ने।